नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे टॉप 25 की। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर के तर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। टीएमसी ने बीजेपी की ओर से राज्यसभा के नामी सदस्य और बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरों में गिने जाने वाले स्वप्न दास गुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसका टीएमसी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। देश के सामने नए कोरोना संकट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात। राज्य में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है, फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। दो गज की दूरी और मास्क जरूरी के फॉर्मूले पर कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन ग्राफ में गिरावट आई है तो लोग बेफिक्र हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन और आरक्षण का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। अदालत ने कहा कि 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। कोर्ट के फैसले से एक तरफ योगी सरकार को आरक्षण पर सियासी तौर पर झटका लगा तो दूसरी तरफ मई में चुनाव कराने की मंशा पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की जेल में नशे के सौदागरों ने चरस भेजने के लिए नया तरीका अपनाया है। जांच के दौरान पता चला है कि नमकीन के पैकेट में चरस छुपाकर जेल में सप्लाई की जा रही थी। इससे पहले चेकिंग के दौरान जेल के टॉयलेट से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। अब इस मामले की छानबीन की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए एनसीटी एक्ट से जुड़े संशोधित बिल पर दंगल छिड़ गया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसे गलत बताया और राज्य सरकार के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस भी जंग में कूद गई है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस मामले पर ट्वीट किया और कहा कि अगर बिल पास हुआ तो दिल्ली में सिर्फ उपराज्यपाल का राज होगा। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आरिज खान को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। आरोपी आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस एनकाउंटर के दौरान स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा गोली लगने से घायल हो गए थे, बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। एंटीलिया केस में चर्चाओं में आए सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे का विवादों से पुराना नाता रहा है। वाजे को पहले 2004 में ख्वाजा यूनिस एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ वो मुकदमा अब भी चल रहा है। उस मामले में राहत मिली और मुंबई पुलिस के साथ काम पर वापस लौटने के केवल 10 महीने बाद ही अब सचिन वाजे को राष्ट्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आगरा स्थित ताजमहल का दीदार अब महंगा हो सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के टिकट की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अभी ताजमहल के दीदार के लिए भारतीय पर्यटकों को 250 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपए देने पड़ते हैं, जो आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत दौरे पर आएंगे। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर बोरिस को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर गूंजे आजादी के नारे, लेकिन इस बार ये विरोध और ये आजादी की मांग भविष्य को लेकर है। जामिया यूनिवर्सिटी पिछले एक साल से कोरोना के कारण बंद है। देश के दूसरे कई विश्वविद्यालय कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वापस खोले जा चुके हैं, लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी की ओर से कैंपस खोलने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित बैठक में वनाग्रि प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की और जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया। बैठक में कहा कि सभी सरकारी योजनाओं को जल्द लागू किया जाए। बिहार के जहानाबाद जिले की पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को सोमवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच और जहानाबाद जिले के टेटा थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 25,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जयनंद उर्फ वीरा पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर थाने में चैन स्नैचिंग, बाइक लूट और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के साथ साथ कई संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं। जोमैटो की डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोप लगाने वाली लड़की हितेशा चंद्रानी पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़की पर हमला करने और आपराधिक धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। लड़की के खिलाफ शिकायत डिलीवरी बॉय कामराज ने की थी। पहले लड़की ने कामराज पर हमला करने का आरोप लगाया था और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में ले लिया। हरिद्वार में कुंभ को लेकर तीरथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुंभ तक हरिद्वार में गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ कैंप करेंगे। कुंभ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए फैसला लिया गया है। मेला नियंत्रण भवन में गढ़वाल कमिश्नर का ऑफिस रहेगा। महाकुंभ सफल कराने के लिए 8 डिप्टी कलेक्ट्रेट भी अटैच रहेंगे।
कोलंबिया के एक पत्रकार लाइव शो के दौरान दुर्घटना में बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। स्पोर्ट्स चैनल ESPN कोलंबिया के पत्रकार शो में शामिल मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान उनके पीछे टीवी सेट का एक टुकड़ा गिर गया। राजधानी दिल्ली में पानी की ट्रॉलियों की डिजाइन में कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, जिसे स्टेनलेस स्टील के पानी के डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक सेंसर, पुश बटन, ये फीचर पानी की ट्रॉलियों के लिए नए डिजाइन का हिस्सा है, जिन्हें दिल्ली के कई साउथ MCD क्षेत्रों में रोल आउट किया जाना है। जापान में 77,000 से ज्यादा मुर्गियों को मार दिया जाएगा। बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के मद्देनजर इसका फैसला लिया गया। जनवरी में जापान के कृषि और मत्स्य मंत्रालय ने नवंबर में शुरू हुए एविन इन्फ्लुएंजा के नए प्रकोप पर बड़ी बात कही थी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शहर में एक बार फिर कोरोना वायरस के पैर पसारने के कारण ये मैच खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले दोनों T20 में 50% दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत दी गई थी। इस मैच के लगभग 40,000 से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके थे। ऐसे में उन दर्शकों को टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दूसरे T20 में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं इंग्लिश टीम पिछली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पिच और शबनम यानी क्योस को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करना चाहेगी। अभिनेत्री तब्बू आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 के सेट पर अन्य कलाकारों के साथ जुड़ गई हैं। सोमवार को फिल्म के मुख्य कलाकार कार्तिक आर्यन ने उनके लिए एक वेलकम नोट पोस्ट किया। उस पोस्ट में कार्तिक, सह कलाकार कियारा अडवाणी, निर्देशक अनीस बज़मी ने तब्बू के साथ एक फोटो पोस्ट किया जो बबल शिल के पीछे बैठी हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने ऑस्कर 2021 के नामांकन की घोषणा की है। 93वां अकादमी पुरस्कार समारोह 25 अप्रैल को कई स्थानों से लाइव प्रसारित होगा। इस शो में पावर कपल प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास का नाम अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन में अनाउंसमेंट किया गया है। ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन हर साल फरवरी के महीने में किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते आयोजित में देरी हुई है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया, जहां उन्हें फैंस ने ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दी। मगर जन्मदिन के एक दिन बाद ही आमिर खान ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे उनके चाहने वालों को जरूर निराशा हाथ लगेगी। दरअसल एक्टर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि अब वो सोशल मीडिया को अलविदा कह रहे हैं। एक्टर के इस स्टेटमेंट को देख फैंस के बीच हलचल मच गई है कि एक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगरा के ब्लॉक जैतपुर के बड़ा गांव में सर्व समाज के लोगों द्वारा एक मिसाल पेश की गई है। इसके तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव की पराश्रत बेटी को ग्राम प्रधान बनाने का फैसला लिया गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के कराची में सोमवार को हुए धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान के कराची शहर में सोमवार को एक रिमोट नियंत्रित बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक अर्धसैनिक बल के जवान की मौत हो गई है और 8 अन्य लोग घायल हैं। म्यांमार में जब से सेना ने सत्ता को अपने हाथ में लिया है, हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन आक्रामक हो रहा है और सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागी जा रही हैं। इस बीच दावा है कि म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। फरवरी से अब तक करीब 400 से ज्यादा लोग भारत में आ चुके हैं, जिनमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। और टॉप 25 की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।